आज लंबे अरसे बाद अखिलेश यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जो कि शिवपाल यादव का विधानसभा क्षेत्र है, और यहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया। दरअसल जसवंत नगर मैनपुरी लोकसभा सीट में आता है, यहां पर शिवपाल यादव भी उनके साथ मौजूद थे। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक परिवार एक नहीं था तो बीजेपी वाले कहते थे कि परिवार संभाला नहीं जा रहा है, लेकिन अब जब पूरा परिवार साथ है तो लोग हमें, बीजेपी वाले हमें अवसरवादी कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो हमें कहता है कि वो हमारा शिष्य है, असल में वो चेला बनने लायक भी नहीं है। शिवपाल के आगे नतमस्तक अखिलेश। जसवंत नगर की जनता को सीधा संदेश। और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहां के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्ष हो रहे हैं, यहां के लोग कभी नेताजी को नहीं। 24 घंटे में डबल प्रणाम। चाचा ने संभाल ली प्रचार की कमान। पढ़ाने का काम कर, बेरोजगारी पढ़ाने का काम कर, भ्रष्टाचार पढ़ाने का काम कर। कोई नौकरशाही कब्जे में तो है नहीं, नौकरशाही कब्जे में। हर पोस्ट पर छाए शिवपाल, भूल गया मन का मला। दोनों चाचा के साथ मिलकर भतीजे का धुआंधार प्रचार। जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में अपना साइकिल देने जा रही है। किससे के हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो ये चुनाव डिम्पल को जिताना चाहिए भी। डिम्पल के खिलाफ भाजपा का चक्रव्यूह तैयार। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की स्वीकारता, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सबकी पार्टी है, सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं, और सब समाज के सब वर्गों का समर्थन आशीर्वाद मोदी जी को और योगी जी को मिल गया। मैनपुरी के मैदान में महागर्जना। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैनपुरी सहित दोनों उपचुनाव, तीनों उपचुनाव में हम चुनाव जीते। अखिलेश को शिवपाल वचन। निराश ना होने देंगे हम। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं। बात तो चुभेगी। आज अखिलेश यादव डिंपल यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए जसवंत नगर पहुंचे। साथ में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। यहां पर शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने मैनपुरी की जनता से अपील की कि खुलकर मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मैनपुरी की अगर बात करें तो पूरे मैनपुरी में यादव परिवार, मुलायम परिवार पूरे मैनपुरी में छोटी छोटी सभाएं कर रहा है, नुक्कड़ सभाएं कर रहा है, ताकि डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित की जा सके।
शिवपाल सिंह यादव ने भतीजे अखिलेश को जनता के बीच वचन दे दिया है कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे, ठीक उसी तरह जैसे नेताजी को कभी निराश नहीं होने दिया। जनता के सामने मैं कहना चाहता हूं, आपको भी हम कभी निराश नहीं। मन का सारा मलाल धुल चुका है। चाचा शिवपाल का दिल अब भतीजे अखिलेश के लिए बाग बाग है। बहू डिंपल को जिताने के लिए अखिलेश ने जसवंत नगर में अपने हर समर्थक को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। पूरे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में चाचा परिवार के साथ घूम रहे हैं, अखिलेश और रामगोपाल यादव के साथ मंच साझा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाजपा से खराब पार्टी कोई और नहीं। हम जानते हैं कि सर बेईमान सरकारों ने इस देश को बांटने का काम जो शुरू किया है, भाई से भाई को अलग करने का काम कर रहे हैं, गरीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिवार को एकजुट कर यानी डिंपल यादव की राह की पहली चुनौती पर विजय हासिल कर अखिलेश अब जनता के बीच पहुंच चुके हैं। उन्हें बता रहे हैं कि परिवार में अब सब ठीक ठाक है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, बस अब इसी तरह आपके साथ की जरूरत है। जुबान पर नेताजी का नाम है, उनके संघर्षों की दास्तान है, धरती पुत्र की दुहाई है और है ये अपील कि डिंपल को इस बार इतने वोट से जिताएं कि समाजवादी पार्टी का सूरज और उजाले के साथ चमक उठे। जब वोट पड़ेगा तो पहले से ज्यादा रफ्तार में इस बार साइकिल चलने जा रही है और क्योंकि ये चुनाव उस समय है जब नेताजी हमारे बीच नहीं है, यहाँ के लोगों के बीच में नेताजी न जाने कितने वर्ष हो रहे हैं, अब जसवंत नगर की इस तस्वीर को गौर से देखिए। मंच पर अखिलेश, दोनों चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के साथ बैठे हैं। तीनों किसी बात पर साथ साथ ठहाके लगा रहे हैं। इसे देखकर किसी के लिए भी ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं कि वही तीनों नेता साथ साथ एक सियासी मंच पर बैठे हैं, जिनके बीच मतभेद की चर्चा ही पहले सुर्खियों में रहा करती थी। तीनों एक ही परिवार से हैं, लेकिन रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच की खटपट जग जाहिर रही है। अखिलेश यादव और शिवपाल के मनमुटाव की बात भी किसी से छिपी नहीं, लेकिन अब सब रास्ते पर है। तीनों मिलकर ठहाके लगा रहे हैं, उस मंच को साझा कर रहे हैं जिस पर दोनों चाचा की तस्वीर भी लगी है। अब सभी मिलकर भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि वो साजिश नाकामयाब रहेगी, यहाँ वो उनका कोई तीर चल नहीं सकता है, लेकिन करेंगे तो। अभी शिवपाल सिंह ने कहा कि अगर कोई गाली भी दे तो आप लोग मत बोलना, ये सही उनकी आशंका है, इन्होंने हमेशा ऐसा किया है। एक बार पूरे चुनाव में ऐसे चला दिया तो शिवपाल सिंह ने फला को मारा, हमारा एंट्री और फर्जी पूरे जिले में फैला दिया, अब कहां कोई सफाई दे सकते हैं, मूर्ख भी बोल रहे हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। जसवंत नगर की सभा के मंच पर अखिलेश और रामगोपाल यादव साथ बैठे हैं और दोनों के बीच खड़े नजर आ रहे हैं आदित्य यादव। आदित्य शिवपाल यादव के बेटे हैं। इसी तस्वीर में पीछे पोस्टर पर शिवपाल सिंह यादव का बड़ा पोस्टर दिख रहा है। साफ है कि अब पुराने दिनों की खटास खत्म हो चुकी है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पूरा परिवार एकजुटता की डोर में बंध चुका है और इसके हर सदस्य का सिर्फ एक ही मिशन है और वो है परिवार की बहू डिंपल यादव की जीत को तय करना। वहीं कार्यकर्ताओं के बीच होड़ है कि जसवंत नगर या करहल में से कहां से ज्यादा की लीड दिलाई जाए। आज की जो जनसभा हो रही है ये बहुत ऐतिहासिक जीत
दिलाने वाली जनसभा हो रही है। ये जनसभा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे जनता का संदेश जाएगा। ये एक जो जनता की नज़रें टिकी हुई हैं केवल मैनपुरी जो उपचुनाव होने जा रहा है, केवल ये उपचुनाव में केवल जनता ये देखना चाह रही है, एक संदेश देना चाह रही है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत दिला के संदेश देगी। जी ये जो है अच्छा संदेश है, और हम लोग सब जनता वाले ये भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो है ज़्यादा ज़्यादा से वोटों से डिंपल यादव विजयी हों। एक तरफ सपा का तूफानी प्रचार चल रहा है तो दूसरी तरफ 40 स्टार प्रचारकों की भाजपा की फौज जल्द मैदान में उतरने वाली है। पार्टी का दावा है कि मैनपुरी में सपा तो भाजपा के मुकाबले में है ही नहीं, जनता भाजपा की जीत तय कर चुकी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब किसी का कोई गढ़ नहीं रहा, अब कोई सीट ऐसी नहीं है लोकसभा की, विधानसभा की, पूरे प्रदेश देश में जो किसी का गढ़ हो, अब सब भाजपा के गढ़। उनका मामला है, भारतीय जनता पार्टी अब शुचिता के साथ अपने सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता के साथ चुनाव मैदान में है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और योगी जी का लाइन आर्डर जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं मैनपुरी सहित दोनों उपचुनाव, तीनों उपचुनाव में हम चुनाव जीतेंगे। प्रचार 3 दिसंबर तक चलना है और प्रचार के मैदान का माहौल बता रहा है कि घमासान अब 7वें आसमान तक पहुंचने वाला है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूरी लोकसभा सीट जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अखिलेश यादव ने इसके लिए खास व्यूह रचना तैयार की है। अखिलेश यादव का दावा है कि मैनपुरी के अंतर्गत आने वाली तमाम 5 विधानसभा सीटों पर डिंपल यादव को जबरदस्त लीड मिलेगी। इसके लिए एक बाकायदा योजना तैयार की गई है। खुद अखिलेश यादव के परिवार के तमाम लोगों की जिम्मेदारियां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी की चुनौती से आमना सामना किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है जो कि मैनपुरी में जमीन आसमान एक। चुनावी राजनीति की रंग भूमि सी बन गई है मैनपुरी। नए सियासी समीकरणों की प्रयोग भूमि बन गई है मैनपुरी। भाजपा यहां रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव की तरह का महाप्रयोग दोहराने में जुटी है। सपा के दशकों पुराने समीकरणों को ध्वस्त करने का दांव चल चुकी है तो सपा अपने गढ़ के हर मजबूत हिस्से में विजय की हुंकार भर रही है। घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीते जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। इस बार चुनाव में यूपी की राजनीति में प्रभाव पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतने जा रही है। सपा बसपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे कठिन दौर था और उस दौर में श्री मुलायम सिंह यादव जी केवल 94,000 से चुनाव जीते हैं और बीएसपी का गठबंधन था। दावेदारी चाहे जितनी ऊंची हो लेकिन मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो अखिलेश यादव छोटी छोटी सभाओं पर भी ज्यादा जोर नहीं दे रहे होते। अगर आजमगढ़ उपचुनाव की तरह की निश्चिंतता होती तो अखिलेश सुबह से शाम तक इस कदर पसीना नहीं बहा रहे होते। मकसद साफ है कि समाज के हर हिस्से का भरोसा जीतना, उसे ये विश्वास दिलाना कि नेताजी के बाद मैं उनकी विरासत को पूरी मजबूती के साथ संभालूंगा, किसी के यकीन को कमजोर नहीं होने दूंगा। अखिलेश का दावा है कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है, इसलिए जनता उसे कोई भाव नहीं देगी। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, जिन्हें जो जिम्मेदारी निभानी थी और खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, बेटियों की सुरक्षा लेकर के, बालिकाओं की सुरक्षा लेकर के, ये सरकार नाकाम रही है और उसी का परिणाम ये है
कि कभी बेटी सूटकेस में मिलती है या आजमगढ़ जैसी जघन्य अपराध हो रहा है। और न केवल ये दो तीन घटनाएं हैं, बल्कि अगर हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की हम रिपोर्ट देखें और महिलाओं के अपराध को देखें तो उत्तर प्रदेश आज भी सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराध महिलाओं पे हो रहा है, बेटियों पे हो रहा है। अखिलेश ने खुद माना था कि आजमगढ़ उपचुनाव में हार की वजह पार्टी की गलती थी और गलती स्थानीय नेताओं व विधायकों की थी जिन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि हर हाल में आजमगढ़ पर कब्जा कायम रखेंगे। अब अखिलेश यादव ने ये समझ लिया है कि मैदान में जीत तय करने के लिए सबको मिलकर पूरी ताकत लगानी ही होगी, तभी भाजपा के सामने की चुनौतियां बढ़ेंगी, तभी भाजपा की राह में मुश्किलें खड़ी होंगी और डिंपल का रास्ता आसान होगा। लेकिन भाजपा की माने तो वंशवाद का जमाना गया, परिवारवाद की घुट्टी का अब मैनपुरी की जनता पर कोई असर नहीं होने वाला। देखिए, मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रघुराज सिंह साक्य 8 तारीख को विजय होंगे, ये सुनिश्चित है, क्योंकि जनता जो है समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ही विकास हो सकता है। मैनपुरी के विकास भाजपा के साथ होगा और लोगों को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी एक MP जीत करके भी बहुत कुछ कर नहीं सकती है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा तक ने पूरी ताकत लगा दी है, उससे साफ है कि मैनपुरी का ये उपचुनाव बाकी सभी चुनावों से अलग होने जा रहा है। भाजपा ने शिवपाल के करीबी रहे रघुराज शाक्य को मैदान में उतार कर बड़ा दांव चला है, लेकिन अब शिवपाल उन्हीं को सबसे ज्यादा निशाने पर ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है, हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है। चुनावी जंग के इतिहास में कई अध्याय लिखे गए हैं, लेकिन मैनपुरी के उपचुनाव की इस लड़ाई का नतीजा मील का पत्थर साबित होने वाला है। अगर भाजपा जीती तो ये अखिलेश के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, और अगर सपा ने मैनपुरी पर अपना कब्जा कायम रखा तो भाजपा को 2024 की अपनी रणनीति पर फिर से सोचना होगा, जिसका मकसद ही सपा को जीरो पर आउट करना है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रामपुर में आजम खान की मोर्चेबंदी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सड़कों पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। दरअसल बीजेपी ने एक रोड शो किया, इस रोड शो में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे, साथ में प्रत्याशी आकाश सक्सेना और साथ ही साथ रामपुर से सांसद घनश्याम लोधी भी इसमें मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि जैसे रामपुर लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की, ठीक वैसी ही स्थिति, वैसे ही नतीजे इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में होंगे। ये आजम के गढ़ में भाजपा की दहार है, ये रामपुर के रण में भगवा ब्रिगेड की हुंकार है, और ये पश्चिमी यूपी में तवास बदलने की ललकार है। रामपुर की सदर विधानसभा सीट पर आजम खान का चक्रव्यूह भेदने के लिए भाजपा ने रोड शो किया, सड़क पर उतरकर शक्ति दिखाई, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना की पुरानी हार का बदला लेने की हुंकार भरी गई। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है और अलग अलग कार्यक्रमों के में प्रतिभाग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो निश्चित रूप से हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव में और जनता से हमारा संपर्क संवाद बना हुआ है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करने जा रही है। हम लोग तो एक इलेक्शन समाप्त होने के बाद अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं, यहाँ तो हर वक्त
चुनाव के ही मूड में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रामपुर की जनता फिर से बहुत समझदार है, रामपुर की जनता वो विकास चाहती है, कानून का शासन चाहती है, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इस विधानसभा सीट पर आजम खान 10 बार विधायक चुने गए, कहीं ना कहीं चुनौती मानती है भाजपा इस पर? कोई चुनौती नहीं। कार्यों का काफिला था, नेताओं का जोश था, कार्यकर्ताओं की भीड़ थी, और आजम के सियासी क्षेत्र को भगवा रंग में रंगने की कोशिश की गई। ये वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब रामपुर में सिर्फ विकास की बात होगी, विकास की बात होगी और रोजगार की बात होगी। इसके अलावा रामपुर में किसी तरीके की कोई ना मुद्दा है ना माहौल है। तो लोकसभा उपचुनाव की तरह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा उपचुनाव में भी कमल खिलाएगी यहाँ पे? बिल्कुल, रामपुर का जो परिणाम होगा वो पूरा देश देखेगा और यहाँ इतिहास रचने जा रहा है। 5 महीने पहले जब रामपुर की लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तो भाजपा ने आजम को पहला झटका दिया था, और अब तैयारी दूसरा झटका देने की है। शंख बज रहे हैं, फूलों की बारिश हो रही है, रामपुर में सियासत का नया अध्याय लिखने की तैयारी चल रही है। आजम के खिलाफ सियासी बयानबाजी हुई, बीच सड़क आतिशबाजी हुई। चुनाव 5 दिसंबर को है और हर दिन भाजपा पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। नहीं, हम चुनौती नहीं मानते, हम लोकसभा भी जीते और विधानसभा भी जीतेंगे। कार्यकर्ता आप देख रहे हो, हिंदू मुसलमान सभी हमारे साथ हैं और सारे समुदाय के लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं आज, और भाजपा का यहाँ से 8 तारीख को कमल खिलेगा, ये हमारा आश्वासन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आपने अभी उपचुनाव लोकसभा का भी हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हमने जीता है, और ये विधानसभा भी जो हो रहा है वो भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हम जीतने वाले, इतिहास रचने वाले हैं। रामपुर में ये तो ट्रेलर था, आने वाले दिनों में प्रचार युद्ध और तेज होगा, क्योंकि लड़ाई इस बार उस सत्ता की है जो दशकों से नहीं है। एबीपी गंगा के लिए रामपुर से उबैदुर रहमान। रामपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को बड़ा झटका दिया। दरअसल आजम के लंबे समय तक मीडिया प्रभारी रहे फसाहत खान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि फसाहत खान लंबे अरसे तक आजम के साथ रहे, आजम के बेहद करीबी उन्हें माना जाता था। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने कहा कि अब वो सिर्फ दरी बिछाने का काम नहीं करेंगे, अब उन्हें पता चला कि उनकी सही कीमत क्या है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है और आज उनको यह एहसास हुआ कि सम्मान क्या होता है। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय जी को हमारे बच्चों का हमारा नाम नहीं ले सकते, गरीबी अपनी बिठाएगा, कोई भी अपनी देगा और जेल भी अपनी बिठाएगा। फसाहत अली खान के दिल में अखिलेश यादव के खिलाफ गुस्से का गुबार जरूर था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो एक दिन भाजपा के हो जाएंगे। ये वही फसाहत अली खान जिनके बयान के बाद रामपुर से लखनऊ तक सियासी तूफान उठ गया था। आजम की नाराजगी पर बातें होने लगी थी, अखिलेश के खिलाफ मुस्लिम वोट बैंक का समीकरण तैयार होने लगा था। फसाहत अली खान ने भाजपा ज्वाइन की तो कई लोग चौंक गए। देखिए, उम्मीदें तो टूटी ही हैं और हमें मालूम है कि उम्मीदें आगे भी टूटेंगी, और ये लड़ाई मेरी एक अकेले जात की नहीं है, ये नाराज़गी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, ये नाराज़गी विचारधारा की है। मैंने तो शायद आज से 6 या 7 महीने पहले 10 अप्रैल को कहा था कि हमारा दल जो आज के दिन तक अभी है, क्योंकि मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है या इस्तीफा देने वाला हूँ, रहा हो या अन्य दल रहा हो, उन्होंने हम अब्दुल को सिर्फ बिरयानी में जैसे तेज पात के पत्तों को यूज़ करते हैं उस तरह का यूज़ किया है, हमसे दरी बिछवाई है, हमें डंडे खिलवाए हैं, और हद यह है कि हमारे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा है, हमारे आंसुओं को पोछने को तो छोड़िए, ये पूछा भी नहीं है कि तुम्हारे आंसू निकले क्यों। फसाहत अली खान के साथ लोगों की संख्या भले गिनती में हो, लेकिन रामपुर में चुनाव से पहले मुस्लिम मतदाताओं के बीच भाजपा का ये बड़ा संदेश है। भाजपा में शामिल होने के बाद फसाहत कहते हैं उन्हें सम्मान नहीं मिला और अब जुबान पर मोदी और योगी का गुणगान है। भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में और ऊर्जावान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हर तबके को, हर वर्ग को, कमज़ोर को उसका हक मिल रहा है। खतौली उपचुनाव को जीतने के लिए जयंत चौधरी लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो लगातार छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। दरअसल जयंत चौधरी ये चाहते हैं कि वो हर हाल में विधानसभा में अपने विधायकों की तादाद बढ़ाएं, इसलिए वो मदन भैया के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले खतौली सीट जीतकर वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये संदेश दें कि आरएलडी कितनी मजबूत पश्चिमी यूपी में है। लेकिन दूसरी तरफ वो भारतीय जनता पार्टी है जो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को कोई मौका नहीं देना चाहती। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने मदन भैया जो कि आरएलडी के प्रत्याशी हैं उनकी छवि बाहुबली की है, बार बार हर सभा में बीजेपी के तमाम नेता जा जाकर इस बात को दोहरा रहे हैं। लड़ाई भले एक सीट की है लेकिन रालोद ने पूरी ताकत लगा दी है। पिछले कुछ घंटों से जयंत चौधरी लगातार लोगों के बीच हैं। रविवार को उन्होंने 11 गांवों में नुक्कड़ सभाएं की थी और सोमवार को भी कई गांवों में तूफानी प्रचार किया। बात किसानों की हो रही है, तारीख 5 दिसंबर की याद दिलाई जा रही है। कानून में प्रावधान है कि 14 दिन में भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान कैसे होगा जब रेट नहीं है? तो चालू इस सत्र में कोई भुगतान की उम्मीद अभी तक किसानों की नहीं बन पाई क्योंकि कोई रेट सरकार ने घोषित नहीं किया। जानबूझकर मिल मालिकों को फायदा पहुंचाने के लिए चंद उद्योगपतियों के इशारे पे सरकार इस तरह के फैसले लेती है, लेकिन इनको ठिकाना लगाने के लिए, इनकी आंख खोलने के लिए एक मौका खतौली की जनता को मिलने वाला। 5 तारीख को हमारे गठबंधन के प्रत्याशी को जनता जिताएगी खतौली की, तो निश्चित अच्छा गन्ने का मूल्य यही सरकार घोषित करेगी 5 तारीख के बाद। सोमवार को जयंत कभी खतौली के फुलक गाँव पहुँचे तो कभी रायपुर नांदी, कभी मथेड़ी गांव में दिखाई दिए तो कभी अंबरपुर में हुंकार दिए। जयंत जानते हैं कि अगर खतौली में उन्होंने खेला कर दिया तो लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की जमीन से बड़ा संदेश जाएगा। और हमारे लोग तो उत्साहित हैं, जो लोकदल के विचारधारा से जुड़े हैं, जो गठबंधन के पार्टी के संगठन में जिम्मेदार हैं, सब लोग समझ गए कि चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लोगों की नाराजगियां हैं, जो खतौली क्षेत्र की जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो और किसान के लिए लाभकारी मूल्य घोषित हो। जयंत इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहते हैं, लखनऊ से दिल्ली तक नया पैगाम भेजना चाहते हैं, लेकिन भाजपा इतनी आसानी से उनके सपने को पूरा नहीं होने देगी क्योंकि खतौली में भगवा ब्रिगेड ने भी डेरा डाल दिया है। अंबरपुर गए हैं खेड़ी, ये गांव हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्यार और आशीर्वाद देते रहे हैं। हमेशा से एक तरफा वोट पिछले 4 चुनाव से मैं देख रहा हूँ, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद यहाँ से लोगों का दिया गया। एक तरफ आज आपके पास के गांव में श्रीकांत त्यागी भी आ रहा है, वो भी त्यागी समाज से अपील कर रहा है भाजपा को वोट ना दे। देखिए लोकतंत्र है, सबकी अपनी इच्छा है, किसी कोई जिसकी इच्छा है वो किसी को वोट दिलवा सकता है, सबका अपना अधिकार है। इसमें मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ, उनकी इच्छा है जहाँ भी कुछ करना चाहते हैं। देखिए सुपर 21 क्या है कि जो इस समय चुनाव का कैंपेन चल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पहुँचेंगे वहाँ पे, कल पहुँचेंगे, कल वो 11 जनसभाएँ करेंगे, 11 मीटिंग करेंगे, 11 गाँवों को का कल कैंपेन करेंगे और परसों मतलब रात्रि विश्राम कल वहीं करेंगे, उसके बाद में परसों 10 गांव का करेंगे, तो 2 दिन में 21 गांव वो कैंपेन करेंगे, उसके बाद 26 तारीख को फिर एक बड़ी जनसभा करेंगे। भाजपा एक एक सीट के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली पार्टी का नाम है। खतौली के लिए भाजपा ने बड़े बड़े नेताओं की ड्यूटी लगाई है। राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर को खास जिम्मेदारी दी गई है ताकि वो गुर्जर समाज के वोटर को एकजुट करें, क्योंकि हर कोई जानता है कि उपचुनाव का नतीजा लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी का नया मिजाज बताएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बसपा सांसद अफजाल अंसारी की। दरअसल अफजाल अंसारी ने आज
से आज ईडी ने पूछताछ की और ये पूछताछ 11 घंटे चली। दरअसल अफजाल अंसारी के भाई मुख्तार अंसारी पर जो ईडी ने मामला दर्ज किया है उसी सिलसिले में ये पूछताछ हुई, लेकिन अफजाल अंसारी की तरफ से कहा गया कि वो ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो कुछ भी उनसे पूछा जाएगा वो तमाम बातें वो ईडी को बताएंगे, लेकिन इस 11 घंटे चली पूछताछ से ये तो साफ है कि मुख्तार परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पूर्वांचल की राजनीति में कभी अंसारी परिवार की धाक थी, लेकिन वक्त बदला और हालात बदल गए। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद है। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही और जांच एजेंसियां हर दूसरे दिन परिवार के किसी सदस्य को दफ्तर बुला ले रही हैं। मुख्तार अंसारी पर दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फिर एक बार अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई। अफजाल अंसारी मुख्तार के भाई और बसपा के मौजूदा सांसद हैं। अफजाल अंसारी से ईडी ने करीब 11 घंटे तक पूछताछ की और रात करीब 2 बजे छोड़ा गया। ये 5वीं बार था जब ईडी ने अफजाल अंसारी से पूछताछ की। एक बार तो अफजाल से 12 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है। इस बार समन में ही अफजाल अंसारी से कई कागजात लाने को कहा गया था। ईडी की टीम ने अफजाल अंसारी से तमाम दस्तावेज भी लिए। अफजाल अंसारी के लिए ईडी की पूछताछ अब कोई नई बात नहीं है। अफजाल का कहना है कि वो ईडी की जांच में हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और जो भी उनसे मांगा जा रहा है वो मुहैया करवा रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ईडी ने अफजाल अंसारी से उनकी संपत्ति और आय के स्रोतों की जानकारी ली है। इसके अलावा मुख्तार के साले सरजिल रजा से भी अफजाल का आमना सामना करवाया गया। मुख्तार की कंपनी के पार्टनर से आर्थिक लेन देन के बारे में भी सवाल किए गए। मुख्तार अंसारी को सबसे पहले 9 मई को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था। उसके बाद कभी अगस्त में तो कभी अक्टूबर में अफजाल अंसारी से पूछताछ हुई। दरअसल ईडी को शक है कि अफजाल अंसारी मुख्तार अंसारी के परिवार के अवैध कारोबार को सियासी संरक्षण देते हैं। माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी के बाद मुख्तार के दूसरे करीबियों को भी समन जारी कर तलब किया जा सकता है। उधर मुख्तार के साले सरजिल रजा को एक बार फिर प्रयागराज में जिला जज की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने सरजिल रजा की कस्टडी रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने सरजिल को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सरजिल पिछले 14 दिनों से ईडी की कस्टडी रिमांड में था, यानी 1 दिसंबर तक सरजिल जेल में रहेगा और 1 दिसंबर को ही अब्बास अंसारी की भी पेशी होनी है। कभी प्रयागराज, कभी मऊ तो कभी गाजीपुर से मुख्तार को चुभने वाली खबरें आ रही हैं। गाजीपुर में इस बार 4 जगहों पर कुर्की की गई। इन 4 जमीनों की कीमत 4,40,00,000 रुपए के करीब है। इन जमीनों का संबंध मुख्तार के करीबियों से है। गाजीपुर में गैंग लीडर मुख्तार अंसारी, उसके गैंग के सदस्य हैं मंसूर अंसारी, उनकी तथा उनकी पत्नी के द्वारा कुछ संपत्तियां अर्जित की गई थी जो छदम रूप से बेनामी रूप से मुख्तार अंसारी की संपत्तियां हैं, जो और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है। उसके तहत उसकी बेनामी संपत्ति के रूप में 14(1) के अंतर्गत 4 संपत्तियों का कुर्क की गई है। मुख्तार और अब्बास अंसारी जेल में हैं, लेकिन उनके जेल में रहने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं हो रही। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की रिपोर्ट सरकार के टेबल पर जैसे ही पहुंची सरकार की चिंताएं बढ़ गई। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से ज्यादा मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और चुभने वाली बात यह है कि इसमें से 1,500 से ज्यादा मदरसे नेपाल की सीमा से सटे जिलों में हैं। ऐसे में सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। इन मदरसों से जब पूछा गया कि आय का स्रोत क्या है तो उनकी तरफ से जवाब आया कि ज़कात आय का स्रोत है, लेकिन अब सरकार इन तमाम मदरसों के तमाम कागजातों को खंगाल रही है। यूपी में मदरसों का सर्वे तो पूरा हो गया, लेकिन इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं उन्हें लेकर सरकार क्या फैसला लेगी।
दरअसल सरकार को ये बात परेशान कर रही है कि देश की सीमा से सटे कई जिले ऐसे हैं जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सैकड़ों में है। यूपी में कुल 8,441 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। इनमें से करीब 20% मदरसे ऐसे हैं जो देश की सीमा से सटे जिलों में हैं। बताया जा रहा है कि 1,500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे नेपाल से सटे जिलों में हैं। यही आंकड़ा सरकार को बेचैन कर रहा है क्योंकि मामला आंतरिक सुरक्षा का है और सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। ये जानकारी में आया है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर असामाजिक और गैरकानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है मदरसों के माध्यम से। ऐसे सभी मदरसों को चिन्हित किया गया है। हर स्थिति में हम कानून को राज को मेंटेन करेंगे, गैरकानूनी असामाजिक गतिविधियों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। माने इस दिशा में अब जल्द कोई बड़ा फैसला हो? हाँ, बड़ा फैसला है कि हम गैरकानूनी गतिविधियों को उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देंगे। देश विरोधी ताकतें और समाज विरोधी ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे। नेपाल से सटे जिलों में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनसे भी वही 12 सवाल हुए जो बाकी मदरसों से हुए और नेपाल से सटे जिलों में संचालित हो रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने भी अपनी आय का स्रोत ज़कात बताया, यानी धार्मिक तौर पर मुस्लिमों की तरफ से दिया जाने वाला दान। आसान भाषा में इसे चंदा भी कह सकते हैं। देखिए, देश की जो सुरक्षा है उसके साथ कोई समझौता किसी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे कोई मदरसा संचालक हैं जो मदरसा चला रहे हैं उनको अपने आप आकर के सरकार को बता देना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है। यदि वो नहीं बताएंगे, सरकार जानकारी निकालेगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी जानकारी निकले कि वो उनको भी दुख हो, उनको भी आगे तक के लिए कठिनाई का सामना करना पड़े। तो जो ऐसे मदरसों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं या ऐसे मदरसों को चला रहे हैं उनको तत्काल उनको बंद करके और सरकार का समर्थन सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा से ज़्यादा कुछ नहीं है। और मदरसों के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के साथ साथ वो मदरसों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि ये ज़कात इन मदरसों को कहां से मिल रही है। खबर ये भी है कि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास जो भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं उनकी जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में पिछले कुछ दिनों में असामाजिक और गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में ये मदरसे परेशानी की बड़ी वजह बन गए हैं। सिद्धार्थनगर में 500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं, बलरामपुर में 400 से ज्यादा, बहराइच में भी 400 से ज्यादा, श्रावस्ती में भी 400 से ज्यादा, लखीमपुर खीरी में 200 से ज्यादा और महाराजगंज में 60 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बताया गया है कि जल्द ही मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री के यहाँ बैठक भी होगी। ज्यादातर मदरसों ने अपनी आय का स्रोत ज़कात बताया है, लेकिन ज़कात कहाँ से आई इसकी बड़ी जानकारी नहीं मिली है। चिंता की बात यह है कि कुछ मदरसों ने ज़कात की राशि नेपाल और दुबई से आने की बात कही है। अब लिखित में इससे जुड़े दस्तावेज खंगाले जाएंगे कि कहाँ से कितना पैसा आया। मदरसों का सर्वे रिपोर्ट आ चुकी है और वास्तव में ये जो सीट पर जो चुनाव हो रहा है जी, मदरसा की सर्वे सीट से भी जुड़ी है जी। यहाँ देश का सबसे बड़ा मदरसा आलिया मदरसा, आलिया मदरसा, आलिया मैंने जब लोकसभा के चुनाव में जब मैं आया था तो यहाँ के मुसलमान मानों ने ही मुझे अवगत कराया कि माने आजम खान ने आलिया मदरसा को अपने कब्जे में कर लिया है, वहाँ की महत्वपूर्ण किताबों को बेचने का काम कर दिया है। यानी ये भी संभव है कि यूपी में कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का फैसला लिया जाए, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। अब जब सीएम की अध्यक्षता में इस मुद्दे पर बैठक होगी तभी साफ होगा कि इन मदरसों पर सरकार क्या कदम उठाती है। लिहाजा जो मदरसे कायम हुए हैं वो मदरसे कायम होने पर उनके सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अगर वो मदरसे कहीं किसी भी एतबार से हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारी मिल्लत के ख़िलाफ़ और हमारे मज़हब और हमारे देश के ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अगर वो सबूत और वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं तो कोई भी मदरसे का शख्स उसकी न तो पैरोकारी करेगा न उसके फेवर में कोई बयान और खड़ा होते हुए नज़र आएगा। सरकार कोई फैसला लेगी तो यूपी में हलचल भी बढ़ेगी, सियासी रूप में भी वही होगा जो अभी तक होता आया है।
क्योंकि अखिलेश हो या मायावती, दोनों सर्वे के आदेश देने वाले दिन से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर गुजरात में चुनाव प्रचार में पहुंचे और ये दूसरा मौका था जब योगी ने गुजरात में चुनाव प्रचार किया। यहां तीन जिलों में योगी की रैलियां थी। इन रैलियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ धाम की बात की, सरदार पटेल की बात की, महात्मा गांधी की बात की और साथ ही साथ कांग्रेस पर किया प्रचंड प्रहार। कांग्रेस के समय में गुजरात रहा हो या देश रहा हो, पूरा देश आतंकवाद की चपेट में आया। भारत माता की। लेकिन गुजरात विकास का एक मॉडल बना है, सुरक्षा का एक मॉडल बना है। गुजरात के चुनाव प्रचार में वैसे तो तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं, लेकिन सबकी नजर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार गुजरात में थे। यहां उन्होंने छोटा उदयपुर, खेड़ा और पोरबंदर जिले में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, कांग्रेस पर चुभने वाला वार किया। गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से वनवास झेल रही है और इस वनवास का वक्त बढ़ाने के लिए योगी समेत पूरी भाजपा ने ताकत झोंक दी है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान है। सीएम योगी एक तरफ कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं तो मोदी सरकार के हाथों को मजबूत करने की मांग भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन उदाहरण है और भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। आज हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और खासतौर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक तबके को मिलना, वो भारत का किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ सबको मिलना है। मुद्दा आर्थिक हो, मुद्दा सियासी हो या फिर मुद्दा धार्मिक हो, सीएम योगी कोई मौका नहीं छोड़ते। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने ट्विटर पर लिखा, क्रांति और शांति की अनुपम धारा गुजरात के छोटा उदयपुर की राष्ट्रवादी जनता द्वारा जय श्री राम और भारत माता की जय का समेकित उद्घोष यहां सुशासन की विजय का स्वर्णिम अध्याय लिख रहा है। छोटा उदयपुर के हर बूथ पर कमल का फूल खिलना सुनिश्चित है। गुजरात की धरती हर देशवासी गौरव की अनुभूति करता है। जब भी देश संकट के दौर से गुजरा है, गुजरात नेतृत्व देने के लिए खड़ा हुआ है। आजादी की लड़ाई हो या स्वतंत्र भारत में जब ब्रिटिश सत्ता भारत को अनेक टुकड़ों में बांटने का षड्यंत्र कर रही थी, तब इसी धरती के लाल, इसी धरती के सपूत लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत गणराज्य में 563 से अधिक रियासतों को शामिल करवा करके भारत की एकता का जो दृढ़ निश्चयी कार्य उस कालखंड में किया था वो दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। चुनाव कहीं भी हो, योगी आदित्यनाथ के भाषण काफी चर्चा में रहते हैं। यही वजह रहती है कि भाजपा का हर प्रत्याशी उनकी डिमांड करता है और भाजपा योगी के नाम और काम को भुनाने में देर नहीं करती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।